वेल गाइस, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ क्या इंश्योरेंस हमें एक्चुअली में लेना चाहिए या फिर हम इसको लेकर करते हैं वेस्ट ऑफ मनी या फिर हम इसको करके इग्नोर करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक। अक्सर हम टीवी एड्स में देखते हैं कि हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है और हमें ऐसी एड्स देखने को अक्सर मिलती है। बट इस वीडियो में आज आपको इंश्योरेंस के ऊपर मैं फैक्ट बताऊँगा और ये वीडियो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ्यूचर बेनिफिशियल वीडियो हो सकती है। तो ये 2 मिनट की वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये 2 मिनट की वीडियो आपको आज बहुत कुछ सीखने को देगी, तो इस वीडियो को देख लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस है क्या। एक झटके में इंश्योरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। इंश्योरेंस एक ऐसी प्रीमियम पॉलिसी है जिसको हम मंथली बेसिस पर पेड करते हैं। हमें हर मंथ कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेमेंट कंपनी को करनी पड़ती है और उसके रिटर्न में हमें प्रोटेक्शन मिलती है, जैसे कि व्हीकल प्रोटेक्शन होगी, जैसे कि कार बाइक ये इंश्योरेंस हो गए। अगर इस पर कोई भी डैमेज आता है तो हमें उस पर हमें क्लेम मिलेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्लेम मिलेगा उस डैमेज के ऊपर, उस डैमेज को ठीक कराने के लिए। तो इसी तरह ये इंश्योरेंस होते हैं। उसी तरह दो और इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। जैसा कि एनी मिस हैपनिंग होगी, अगर आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ गया तो ये हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस आपको उस हॉस्पिटल के बिल से बचाती है, उस वो सारा बिल ये पॉलिसी पेड करती है, खुद ये कंपनी उस सारे बिल को पे करती है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर नहीं। तो इंश्योरेंस लेना और कौन सा इंश्योरेंस लेना, ये डिपेंड करता है पर्सन की इनकम पर। अगर मान लो आपकी इनकम एवरेज इनकम है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको फालतू इंश्योरेंस नहीं लेने चाहिए, जैसे कि कार बाइक ऐसे इंश्योरेंस नहीं लेने चाहिए। बट आपको मैं ये भी नहीं रिकमेंड करता कि आपको कोई भी इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। आपको मैं दो इंश्योरेंस रिकमेंड करता हूँ जो कि आपको लेने चाहिए अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। वो दो इंश्योरेंस है, एक है हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस। रियली गाइस, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल इंश्योरेंस है। अगर आप कुछ अमाउंट ऑफ अपनी इनकम से निकाल कर इन पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आपको ऐसी मिस हैपनिंग, अगर भगवान ना करे आपको ऐसी मिस हैपनिंग फेस करनी पड़े, तो ये इंश्योरेंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको हॉस्पिटल के लंबे बिल से ये इंश्योरेंस पॉलिसी बचाती है। तो इस इंश्योरेंस पॉलिसी को आपको लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए अगर डेथ रिलेटेड आपको इशू फेस करना पड़ता है तो ये पॉलिसी आपकी फैमिली को बचाती है। तो इनको इग्नोर कभी मत करना। आपको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, आपको ये पॉलिसी खरीदनी चाहिए। और अगर एक और बात आपको बता दूँ, आपको बिफोर बाइंग एनी पॉलिसी आपको उस पर पॉलिसी को अच्छी तरह रीड करना है, उसकी कंडीशंस, क्योंकि अगर आप उस कंडीशन को नहीं फुलफिल कर पाए, अगर आपने इंश्योरेंस ले लिया तो आपको आगे क्लेम मिलने में बहुत परेशानी आएगी। जैसा कि अगर कोई आपने अच्छे से उस आपको फुलफिल आपने वो पॉलिसी नहीं की तो आपको कंपनी क्लेम नहीं देगी। तो रिकमेंड करता हूँ आप सारी पॉलिसी को अच्छे से रीड करके एक अच्छे इंसान की गाइड लेकर पॉलिसी को बाय करें। तो अब बात करते हैं कि लास्ट में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको सभी को हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए अपनी और अपनी फैमिली के लिए। इतना मिनिमम आपको रिकमेंड है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये आपको प्रिवेंट करता है एनी मिस हैपनिंग से। तो गाइस, ये वीडियो थी छोटी सी वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये ब्रो क्लेवर की तरफ से एक छोटी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे एक लाइक वीडियो कर देना, और अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है, कोई भी इंश्योरेंस ले रखा है, तो कमेंट जरूर करना है, बताना कौन सा इंश्योरेंस लिया है। और आपको मैं बता दूं, ऐसी और नई वीडियो आपको मिलती रहेगी इस ब्रो क्लेवर के चैनल पर। सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।